हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस वीडियो में जिसमें हम डेली करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस और उनके आंसर्स जानते हैं। और यह क्वेश्चन द हिंदू न्यूज़पेपर, PIB, राज्यसभा TV, ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़, आकाशवाणी से लिए जाते हैं, जो कि किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। आज है 21 सितंबर 2018। तो चलिए देखते हैं आज के करंट अफेयर्स का पहला क्वेश्चन, जो कि है भारत की पहली स्मार्ट बार्ड पायलट परियोजना किस सीमा से शुरू की गई है। ऑप्शन है ए पाकिस्तान सीमा, बांग्लादेश सीमा, चीन सीमा, म्यांमार सीमा। तो हमारा जो आंसर है वह है ए पाकिस्तान सीमा। तो इसकी बैकग्राउंड में हम न्यूज जानते हैं। 18 सितंबर 2018 को प्लाउरा जम्मू में BASF मुख्यालय में भारत पाकिस्तान सीमा के साथ केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा भारत की पहली स्मार्ट बार्ड पायलट परियोजना शुरू की गई थी। परियोजना का उद्देश्य सुरक्षा प्रणाली को और अधिक मजबूत और प्रभावी बनाना है। स्मार्ट बार्ड लगाना निगरानी, संचार और डेटा भंडारण के लिए कई उपकरणों का उपयोग करता है। पायलट परियोजना में सीमावर्ती के साथ कमजोर अंतराल को प्लग करने के लिए लेजर सक्रिय बाढ़ और प्रौद्योगिकी की सक्षम बाधाओं को तैनात करना शामिल है। प्रणाली सीमा के लिए निगरानी प्रदान करती है और विभिन्न मौसम स्थितियों में यह धूल, तूफान, धुंध या बारिश हो सकती है की संभावना को बताएगी। पहल घुसपैठ और अवैध प्रवासन रोकने के लिए दोनों सीमाओं को पूरी तरह से सील करने के अपने निर्णय के हिस्से के रूप में भारत सरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा इन दोनों सीमाओं पर तैनात किए जाने वाले प्रस्तावित एकीकृत सीमा प्रबंधन प्रणाली CIBMS का हिस्सा है। तो यह थी इसकी बैकग्राउंड में इंफॉर्मेशन। थोड़ी आपको पाकिस्तान के बारे में लोकेशन दिखाता हूँ मैं मैप में, ताकि आपको आइडिया लग जाए कि कहाँ की बात हो रही है। तो इस वाले एरिया की बात हो रही है, जम्मू एंड कश्मीर वाला एरिया है। यहाँ की आप देख सकते हैं, यहाँ पाकिस्तान से बॉर्डर लगी हुई है, जो कि कितने स्टेट यहाँ बॉर्डर को टच करते हैं। तो आप यहाँ ऊपर से देखेंगे तो एक हो गया जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश करता है क्या, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसमें क्लियर नहीं दिख रहा है। यहाँ हो गया, फिर इसके बाद पंजाब हो गया जो कि करता है राजस्थान और गुजरात। तो पाँच ऐसे स्टेट हैं जो बॉर्डर शेयर कर रहे हैं। इसी के साथ यह हो गया पाकिस्तान, इसकी जो कैपिटल है वह हो गई इस्लामाबाद, जो कि इधर है। साथ ही आप यहां पर देख सकते हैं एक लैंडलॉक कंट्री नहीं है, समुद्र से यहां पर टच कर दी है, जो कि अरेबियन सी है यहां पर। तो आपको इसकी लोकेशन पता होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसी के साथ चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 2। US भारत सामरिक साझेदारी फोरम USISPF के बोर्ड में कौन सा भारतीय व्यक्तित्व शामिल किया गया है। KS रस्तोगी, RP गोपाल, S जयशंकर, विजय कुमार। तो जो हमारा आंसर है वह है S जयशंकर। तो इसके हम बैकग्राउंड में न्यूज जानेंगे। भारत के पूर्व विदेश सचिव डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर, सुब्रमण्यम से S जयशंकर बन के आ रहा है। US भारत सामरिक साझेदारी फोरम USISPF के बोर्ड में शामिल हो गए हैं। वर्तमान में वह डाटा समूह के लिए वैश्विक कॉरपोरेटर मामलों के अध्यक्ष हैं। USISPF एक मंच है जो अमेरिका और भारत के बीच सामरिक संबंधों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से स्थापित किया गया है और दोनों देशों में व्यवसायों के सामने आने वाले महत्वपूर्ण मुद्दों पर आम आधार ढूंढ रहा है। USISPF का मुख्यालय वाशिंगटन में स्थित है। तो आपको पहले थोड़ी सी US की भी लोकेशन दिखा देता हूं, ताकि आपको भी इसके बारे में एक आइडिया रहे। तो इस तरफ से आप यहां जाएंगे तो यहां पर पड़ेगा बीच में, जो कि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है। इसके बाद इस तरफ जाएंगे तो यहां पर आपको मिल जाएगा नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट। इसके बाद यहां पर ही रहा USA, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, और इसकी जो कैपिटल है वह है Washington DC। तो इसकी आपको लोकेशन पता होनी चाहिए। इसी के साथ चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 3। किस राज्य सरकार ने वायु प्रदूषण की जांच के लिए उद्योगों के लिए स्टार रेटिंग प्रणाली लॉन्च की है। तो जो ऑप्शन है वह है उड़ीसा, बी पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश।
तो हमारा जो आंसर है वह है ए उड़ीसा। इसकी बैकग्राउंड में न्यूज जानेंगे हम। उड़ीसा सरकार ने वायु प्रदूषण की जांच के लिए उद्योगों के लिए स्टार रेटिंग प्रणाली शुरू की है। प्रदूषण मानकों के अनुपालन में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए राज्य में यह पहली तरह की पहल है। पहल जनता को यह जताने में मदद करेगी कि उनके आसपास के उद्योग अपने पर्यावरण अनुपालन में उचित हैं या नहीं। यह उन उद्योगों के प्रयासों को भी पहचाना जाएगा जो स्वच्छ वातावरण को बनाए रखने की जिम्मेदारी लेते हैं। उड़ीसा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड OSPCB द्वारा निर्धारित मानकों को पूरा करने के अपने प्रयासों के आधार पर यह प्रणाली 1 से 5 तक उद्योगों को रेट करेगी। इसे शिकागो विश्वविद्यालय EPIC इंडिया शोधकर्ताओं और टाटा सेंटर ऑफ डेवलपमेंट इन शिकागो TCD में चरणबद्ध तरीके से ऊर्जा नीति संस्थान की मदद से लागू किया जाएगा। कार्यक्रम शुरू में 20 औद्योगिक संयंत्रों को कवर करेगा और अंत में सभी 136 पौधों को लगातार निगरानी वाले डेटा के साथ कवर करेगा। तो आप देख सकते हैं जिस तरह से हम वो रेटिंग वगैरह देते हैं, 5-स्टार होटल वगैरह जिस तरह से होती हैं, तो इसी तरह की प्रणाली की बात की जा रही है जो कि काफ़ी अच्छा है। तो देखते हैं अब किस तरह से आगे है काम करता है, और यह सरकार की बहुत ही अच्छी पहल है। इसी के साथ चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 4। भारत सरकार ने भारत के तीसरे सबसे बड़े ऋणदाता बनने के लिए निम्नलिखित में से किन बैंकों को विलय करने का प्रस्ताव दिया है। तो भारत जो हमारे इंडिया में सबसे बड़े तीन जो बड़े बैंक हैं उनका विलय हुआ है अभी, तो उनका नाम पूछा गया है। तो वह ऑप्शन है हमारे इंडियन बैंक, PNB और BOB यानी कि बैंक ऑफ बड़ौदा। BOB, PNB, पंजाब नेशनल बैंक और इलाहाबाद बैंक, यह हो गया। BOI, IDBI और PNB, और डी है जो हमारा ऑप्शन वह है BOB, देना बैंक और विजया बैंक। तो हमारा जो आंसर है वह है डी, इसका जो BOB है वह है बैंक ऑफ बड़ौदा, देना बैंक और विजया बैंक। तो इन तीनों बैंक का भी विलय हुआ है, तो इसलिए यह इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसी के साथ बैकग्राउंड में हम न्यूज जानेंगे। भारत सरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकिंग सेगमेंट में सुधार के कुछ हिस्सों के रूप में भारत का तीसरा सबसे बड़ा ऋणदाता बनने के लिए राज्य के स्वामित्व वाली विजया बैंक, देना बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा BOB को विलय करने का प्रस्ताव दिया है। वित्त मंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता में एक मंत्री पैनल की बैठक में निर्णय लिया गया है जो सरकारी स्वामित्व वाले बैंकों के विलय प्रस्तावों की देखरेख करता है। इन बैंकों की पसंद के पीछे कारणों में से एक कारण शायद यह तथ्य था कि सभी तीनों में से एक ही कोर बैंकिंग प्रणाली का उपयोग करता है। इन्फोसिस से फिनाकल प्रौद्योगिकी प्लेटफॉर्मों और बैंक एंड को विलय करने का कार्य अपेक्षाकृत आसान है। अब तीन बैंकों के बोर्ड प्रस्ताव पर विचार करेगा। संयुक्त ऋण इकाई में देश भर में मजबूत उपस्थिति होगी जिसमें 34% से कम लागत वाली जमा राशि, लगभग 12% पूंजी बफर और 14.82 लाख करोड़ रुपए की व्यावसायिक पुस्तक होगी। बैंक ऑफ बड़ौदा कुल कारोबार का 10.29 लाख करोड़ रुपए के साथ तीनों में से सबसे बड़ा है। इसके बाद विजया बैंक 2.79 लाख करोड़ रुपए और देना बैंक 1.72 लाख करोड़ रुपए है। तो आप देख सकते हैं इनमें इन तीनों में भी सबसे बड़ा बैंक कौन है, बैंक ऑफ बड़ौदा। इन तीनों बैंक का विलय हुआ है, तो कई कारण है इसके पीछे भी। तो आप इसको आपको बस यह पता होना चाहिए कि किन तीन बैंकों का विलय हुआ है। इसके कारण वगैरह तो नहीं पूछे जाते, बस इनका नाम पूछ लिया जाएगा या फिर मैच करने के लिए भी क्वेश्चन आ सकता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 5। किस देश ने दुनिया की पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन शुरू की है। इटली, नॉर्वे, जर्मनी, डेनमार्क। तो हमारा जो आंसर है वह है सी, जर्मनी। तो इसकी बैकग्राउंड में न्यूज जानेंगे। जर्मनी ने हाल ही में दुनिया की पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेनों को लुढ़काया है, जो केवल लुढ़काया है, ये जो ट्रांजेक्शन वो करते हैं ना, कॉपी पेस्ट वगैरह करके ट्रांसलेट करते हैं तो उसमें हो जाता है, जो केवल भाप और पानी को उत्सर्जित करते हैं। आप देख सकते हैं किसको उत्सर्जित कर रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं भाप और पानी,
मतलब कोई भी प्रदूषण जैसी चीजें नहीं होंगी, क्योंकि भाप ही निकलेगी जो कि फिर से आके बाद में क्या बन जाएगी, पानी। ये उज्जवल नीली कोराडिया आइलैंड ट्रेन फ्रेंच टीजीबी निर्माता ऑस्ट्रोम द्वारा बनाई गई है, जो डीजल संचालित ट्रेनों की तुलना में महंगी है लेकिन पर्यावरण अनुकूल है। नई ट्रेनें छत पर एक हाइड्रोजन टैंक और ईंधन कोशिकाओं से लैस है और पानी और हाइड्रोजन के संयोजन से बिजली का उत्पादन करेंगे। कंपनी ने खुलासा किया है कि उत्पादित अतिरिक्त ऊर्जा आयनन लिथियम बैटरी में संग्रहित की जाएगी। हरी ट्रेनों डीजल ट्रेनों की सीमा के समान हाइड्रोजन के एक टैंक पर 600 मील 1000 किलोमीटर की यात्रा कर सकती है। दो कोराडिया आइलैंड ट्रेनें 100 किलोमीटर के रूट पर पारंपरिक डीजल इंजनों को प्रतिस्थापित करती है, जो जर्मन कस्बो कस्कहेवन और वक्सटेहुड को जोड़ती हैं। जर्मनी 2021 तक देश के निचले सैक्सोनी क्षेत्र में 14 अन्य हाइड्रोजन ट्रेन पेश करेगी। तो आपको एक मिनट में जर्मनी की पहले लोकेशन दिखा देता हूँ, तो आप देख सकते हैं। इंडिया से कंपेयर करके आप कोई भी कंट्री को देखा करें ताकि उससे आप रिलेटेड मैप को याद कर सकें। इसी तरह से आपको मैप जल्दी ही याद हो जाएगा, आपको लोकेशन भी पता चल जाएगी। तो आप देख सकते हैं ये रहा हमारा इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इस तरफ जाएंगे तो ये आ जाएगा हमारा यूरोप। तो इसमें ये रहा यूरोप, इधर यूनाइटेड किंगडम, आयरलैंड, ये रहा जर्मनी। जर्मनी की जो कैपिटल है वो है बर्लिन। आसपास किस किस देश के साथ बॉर्डर शेयर करता है? तो नीदरलैंड, बेल्जियम, डेनमार्क, पोलैंड और यहाँ पर ऑस्ट्रिया, फ्रांस भी है और यहाँ पर और भी है, स्विट्जरलैंड वगैरह है। तो ये बहुत सारी छोटी छोटी कंट्रियाँ हैं, इतनी ज़्यादा आप याद नहीं रख सकते। आप याद रखिएगा जर्मनी, बड़ी बड़ी जैसे कंट्री हैं डेनमार्क, फ्रांस हो गया, बेल्जियम और यहाँ पर पोलैंड, तो आप इनको याद रख सकते हैं। आसपास किसी भी याद रख सकते हैं, कौन सा नॉर्थ सी है, इंग्लिश चैनल है इधर, तो आप इनको याद रख सकते हैं, थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आप देख सकते हैं इसका एरिया वाइज ये एरिया छोटा है और यहाँ पर पॉपुलेशन कम है। इसी तरीके से अब 100 किलोमीटर में की अंतर से ये चल सकती है और इसमें जो बैटरी वगैरह चार्ज होंगी तो उससे भी ये चलाई जा सकती है। इसलिए छोटी कंट्री भी है, एरिया छोटा है और पॉपुलेशन भी कम है, इसलिए यह सब प्रोजेक्ट वहाँ पर आसानी से चलाए जा सकते हैं। इसी के साथ चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्रेडिट स्विस रिसर्च इंस्टीट्यूट CSRI की हाल ही की प्रकाशित रिपोर्ट के मुताबिक पारिवारिक स्वामित्व वाली व्यापार सूची पर भारत का रैंक क्या है? तो इसमें भारत की रैंक पूछी गई है, तो चौथी, दूसरी, तीसरी, पांचवी। तो हमारा जो आंसर हुआ है तीसरी। यह थोड़ा सा जो ट्रांसलेट करते हैं, ट्रांसलेट इंग्लिश से हिंदी, तो उसकी वजह से हो जाता है। इसकी बैकग्राउंड में न्यूज जानेंगे हम। 2018 की रिपोर्ट में क्रेडिट स्विस परिवार 1000 के मुताबिक भारत के परिवार के स्वामित्व वाले व्यवसायों की संख्या के मुकाबले भारत को तीसरे स्थान पर रखा गया है, जिसमें 111 कंपनियों के कुल बाजार पूंजीकरण 839 अरब डॉलर है। भारतीय परिवार की स्वामित्व वाली कंपनियों ने 2006 के बाद से 13.9% वार्षिक औसत शेयर मूल्य रिटर्न उत्पन्न किया, जबकि उनके गैर परिवार के स्वामित्व वाले सहकर्मियों द्वारा दर्ज 6% की तुलना में है। रिपोर्ट क्रेडिट स्विस रिसर्च इंस्टीट्यूट CSRI द्वारा प्रकाशित की गई है। तो आपको पता होना चाहिए किसके द्वारा की गई है, यही क्वेश्चन आ जाते हैं कि यह रिपोर्ट में क्या रैंक थी और किसके द्वारा प्रकाशित की गई थी। तो यह क्रेडिट स्विस रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसी के साथ सूची चीन के शीर्ष पर है। इसके बाद चीन की जो रैंक है वो क्या है, फर्स्ट रैंक है। उसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका, अमेरिका की दूसरी रैंक है और इंडिया की तीसरी। रिपोर्ट के अनुसार गैर जापान एशियाई क्षेत्र के भीतर पारिवारिक स्वामित्व वाले व्यवसायों की संख्या के मामले में सूची चीन, भारत और हांगकॉन्ग का प्रभुत्व है। इन तीन अधिकार क्षेत्र एक साथ CSRI के डेटाबेस के गैर जापान एशियाई खंड के लगभग 65% के लिए खाते हैं और बाजार हिस्सेदारी के 2.8 ट्रिलियन या 71% के संयुक्त बाजार पूंजीकरण है। तो इसके बारे में आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 7। काशी ब्लैक टेंपल का गुप्त
या आप इसको देख सकते हैं, किताब का लेखक कौन है? तो इस किताब का नाम दिया है, इसके लेखक के बारे में पूछा है, तो ऑप्शन है नवीन चावला, नीता गुप्ता, गौरव भाटिया, विनीत वाजपेयी। तो हमारा जो आंसर हुआ है विनीत वाजपेयी। तो थोड़ा सा हम इसके बारे में जानेंगे बैकग्राउंड में। विनीत वाजपेयी की हड़प्पा त्रिये, काशी, ब्लैक टेम्पल का गुप्त की तीसरी और अंतिम पुस्तक हाल ही में नई दिल्ली में लॉन्च की गई एक खोया सभ्यता की पुस्तक, कथन दिलचस्प कहानी श्रृंखला में तीन पुस्तकें पौराणिक कथाओं, इतिहास कल्पना, अपराध और आधुनिक दिन के थ्रिलर गठबंधन को जोड़ती हैं। पहली दो पुस्तकें हड़प्पा, रक्त नदी का अभिशाप और प्रलय, द ग्रेट डेल्यूज है। वाजपेयी एक डिजिटल और विज्ञापन एजेंसी मैगन ग्रुप के संस्थापक और अध्यक्ष हैं। तो यह पुस्तक है, इसके बारे में कहा जा रहा है, तो आपको इसके बारे में थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। पूछ लिए जाते हैं, मैच करने के लिए भी क्वेश्चन आते हैं। इसी के साथ चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो कि है क्वेश्चन नंबर 8। पहले अंतर्राष्ट्रीय मकॉम संगीत में आयोजित किया गया था? तो इसके ऑप्शन है ईरान, उज्बेकिस्तान, भारत, तजाकिस्तान। तो हमारा जो आंसर है वो है उज्बेकिस्तान। इनके हम बैकग्राउंड में इंफॉर्मेशन जानेंगे। उज्बेकिस्तान में पहला अंतर्राष्ट्रीय मकॉम संगीत आयोजित किया गया था। इस उत्सव को राष्ट्रपति सावत मिरीजोयब ने उज्बेक राष्ट्रीय मकॉम कला की घर और विदेशों में बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया था, और इस प्रकार शास्त्रीय उज्बेक संगीत से जुड़ी विरासत को उजागर करता है। मकॉम संगीत की ओरिएंटल सिस्टम है जो एशिया भर में स्ट्रिंग और पक्यूर्जन उपकरणों द्वारा बढ़ाया जाता है, और यह शास्त्रीय हिंदुस्तान थाट प्रणाली से काफी अलग है। तो आपको उज्बेकिस्तान की थोड़ी लोकेशन दिखा देता हूँ, तो आप देख सकते हैं ये रहा हमारा इंडिया। ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर हमें दिखेगा पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान। ये रहा उज्बेकिस्तान, इसकी थोड़ा सा जूम करते हैं तो आप देख सकते हैं ये यहाँ रहा तर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान, और ऊपर क्या है खजाकिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है, और इसी के साथ यह एक लैंडलॉक कंट्री है, किसी भी तरह से पानी से घिरा हुआ नहीं, पानी में कहीं भी ये टच नहीं करता है। साथ ही आप इसकी कैपिटल भी याद रख सकते हैं, क्या है ताशकंद। आपको ताशकंद समझौता तो याद होगा ही, तो उसके हिसाब से आप यहाँ पर याद रख सकते हैं इसकी कैपिटल क्या है, ताशकंद, जो कि इधर है। इसी के साथ चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 9। ओजोन परत के संरक्षण के लिए 2018 अंतर्राष्ट्रीय दिवस का विषय क्या है? तो ऑप्शन है ओजोन, आपके और पृथ्वी के बीच सब कुछ है, बी कूल रखें और चालू करें, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, सी ओजोन और जलवायु एकजुट होकर एक दुनिया द्वारा बहाल, डी ओजोन दुनिया की रक्षा करने का मिशन। तो हमारा जो आंसर है वह है बी कूल रखें और चालू करें, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। इसके हम थोड़ी सी बैकग्राउंड में न्यूज जानते हैं, थीम वगैरह पूछी जाती हैं, जो विषय वगैरह होते हैं वह इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। ओजोन परत को कम करने वाले पदार्थों पर 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर करने की तारीख मनाने के लिए ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल 16 सितंबर को मनाया जाता है। यह मुख्य रूप से ओजोन परत की कमी के बारे में जागरूकता फैलाने और इसे संरक्षित करने के लिए समाधान खोजने के लिए है। 2018 थीम कूल कूल एंड कैरी ऑन द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एक प्रेरक रैलिंग कॉल है जो हम सभी को ओजोन परत और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत जलवायु की सुरक्षा के लिए अनुकरणीय काम को जारी रखने का आग्रह करती है। ओजोन परत गैस की एक नाजुक ढाल है जो पृथ्वी को सूर्य के हानिकारक पराबैंगनी विकिरण से बचाती है और इस प्रकार ग्रह पर जीवन को संरक्षित करने में मदद करती है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हेलो कार्बन, टेट्राक्लोराइड जैसे पदार्थ ओजोन परत की कमी के लिए जिम्मेदार हैं। तो आप देख सकते हैं किसकी किसकी वजह से है ओजोन परत को नुकसान पहुंचाते हैं, और साथ ही थोड़ा सा ओजोन परत के बारे में आप जाके पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट हो जाती है, कई बार इससे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं और बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे भी गए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं थीम क्या है, कूल कूल एंड कैरी ऑन, यह इंग्लिश में है तो आपको हिंदी में मैं बता ही चुका हूँ क्या है, तो आप याद रख सकते हैं। इसी के साथ चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 10। माउंट एवरेस्ट मैत्री व्यायाम
के बीच सैन्य अभ्यास का नाम है। तो इसके बारे में, इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा। कल मैं इसको फिर एक्सप्लेन कर दूंगा। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन जो कल पूछा गया था उस क्वेश्चन की तरफ। पूर्व एशियाई खेलों के चैंपियन गणपत राव अंडल रंकला किस खेल से जुड़े थे, जो जिनका हाल ही में निधन हो गया था। तो जो ऑप्शन है वह है ए स्प्रिट बॉक्सिंग, कुश्ती, टेनिस। तो जो आंसर है हमारा वह है कुश्ती, रेसलिंग। बैकग्राउंड में थोड़ी सी न्यूज जानेंगे। पूर्व एशियाई खेलों चैंपियन पहलवान गणपत राव अडंकला का 83 वर्ष 17 सितंबर 2018 को पुणे महाराष्ट्र में निधन हो गया है। 1964 के टोक्यो ओलंपिक में भाग लेने वाले भागलर ने प्रतिष्ठित हिंद केसरी खिताब जीता था। 1960 में जकार्ता एशियाई खेलों में उन्होंने दो अलग अलग वजन श्रेणियों में स्वर्ण और रजत पदक जीतने के लिए भी आगे बढ़े। वह 1982 में कुश्ती में उनके योगदान के लिए अर्जुन पुरस्कार 1964 और महाराष्ट्र सरकार के शिव छत्रपति पुरस्कार के प्राप्तकर्ता भी थे। तो आप देख सकते हैं इनने कितने सारे पुरस्कार जीते हैं, अर्जुन पुरस्कार मिला है और गोल्ड मेडल वगैरह जीते हैं और महाराष्ट्र का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार भी जीता है, इसलिए यह इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो आपको इनके बारे में पता होना चाहिए, किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो यह था आज का हमारा डिस्कशन। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, पसंद नहीं आया हो तो डिसलाइक करें, डिसलाइक क्योंकि कमेंट बॉक्स में बताएं। और साथ ही यह वीडियो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं ताकि उनको भी फायदा हो जाए। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आपका कोई भी लेक्चर मिस ना हो। साथ ही आप इस वीडियो लेक्चर की PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कराई जाती है। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।